Hi everyone, how are you all? All are good, all are safe. Hope so you all are good as well as safe too with your family, friends, your well-wishers and neighborhood too. So students, जैसे कि आप लोगों की मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी, बार बार मैसेजेस आ रहे थे, मैम लाइव प्रोसेस का रिविजन करा दीजिए, मैम लाइव प्रोसेस का रिविजन करा दीजिए. सो इन टूडेज क्लास एंड फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिविजन ऑफ चैप्टर लाइव प्रोसेस. वैसे वो आपको आपके अनुसार करा चुके हैं और जैसे मुझे पता लगा था उन्होंने आपको नोट्स भी बनवा दी थी, ठीक है, बट उन्होंने स्पेशल डिमांड, ठीक है. वैसे भी अब हमारे चैप्टर हमारे सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे तो जैसे मैंने ग्रुप में डाला भी था कल, जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस रहेगा उसमें बस लाइव प्रोसेस रहेगा. अरे मज़े करो, खुश हो जाओ, बाय बाय, सिर्फ एक चैप्टर आएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है, और वो ही चैप्टर आपके 13 मार्क्स गेन करेगा. पासिंग मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर ही लेके आ रहा है आपके. ओके, सो प्रिपेयर वेल, अच्छे से पढ़ोगे. और पता है वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर इन चीज़ों को बायो देता है ना, उसको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है. और सेकंड टर्म में आपके सिर्फ दो चैप्टर आते हैं बेटा. कौन कौन से आएंगे आपके? एक तो रिप्रोडक्शन आएगा, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड द सेकंड वन इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. वो थोड़े आराम से हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊँ, मैं अच्छे से कराऊँगी. या स्कूल्स खुलते हैं सेकेंड टर्म में तो मैं वो तभी कराऊँगी, अब तो मैं आपको कंटिन्यू रिविजन ही कराऊँगी, ठीक है. तो विद इन 10 days वो चैप्टर गोइंग टू बी कम्प्लीट. ओके, सो उनकी फिक्र आप मत करना. कभी कोई बच्चा मुझे बोले कि नहीं मैम आपने वो नहीं कराया, नहीं कराया, पता लगा मुझे ऑफिस से कंप्लेंट आ रही है मैम ने वो चैप्टर नहीं कराए. बेटा वो सेकेंड टर्म में है तो उसके लिए हमारे पास आफ्टर नवंबर बहुत टाइम मिलेगा हमें, ठीक है. अगर मैं अभी करा दूँगी तो मैं आपको टेस्ट अभी लेना स्टार्ट कर दूँगी उस चैप्टर से. तो खैर, हमें लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करना है और हमारे एग्जाम में बस यही आएगा. तो प्रिपेयर वेल फॉर देम. एंड आप बोलो मैम आपके नेचुरल रिसोर्सेज कराएं, उनका क्या? उन्हें पढ़ना मत भूलना, वो आपके फाइनल्स में नहीं आएंगे बट फर्स्ट टर्म में आएंगे. आपको जो मैंने कल सिलेबस सेंड किया था उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सिलेबस फॉर इंटरनल असेसमेंट. मतलब जो स्कूल एग्जाम्स लेगा, स्कूल उन चैप्टर्स को इंक्लूड कर सकता है. आपकी जितनी एक्टिविटीज होंगी वो उस चैप्टर से ही होंगी, जितने असाइनमेंट्स बनेंगे वो उन चैप्टर से ही बनेंगे. मतलब जो स्कूल आपको मार्क्स अपनी साइड से देगा, वो उन मार्क्स को देने के लिए उन चैप्टर्स की हेल्प भी ले सकता है. ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए लाइफ प्रोसेस हम हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस. हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आप लोग इतनी डिमांड्स के बाद ये चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं तो होप सो इसको सब देखेंगे ना, सब देखो. तो चलिए आप लोग देख रहे हैं नहीं, इसके लिए एक गेम समझ लीजिए, गेम खेलते हैं. मैं डेली लाइव प्रोसेस की वीडियो के लास्ट में डेली कुछ क्वेश्चंस डालूंगी जिनके आंसर्स आप लोग मुझे दोगे. एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई पुट सम क्वेश्चंस टू यू विच यू हैव टू गिव मी द आंसर्स. ओके, तो मुझे पता लग जाएगा आप लोग कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर आप लोगों की कोई डिमांड आती है तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग उस डिमांड को पूरा करूं. अगर मुझे इस डिमांड पर रिस्पांस मिला तो ही मैं आगे की डिमांड आप लोगों की पूरी करूंगी, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगी. अब मैं आपके अकॉर्डिंग चल रही हूं, देन मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगी. ओके, तो चलिए लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. देखिए माय स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ मतलब जिंदगी, यही पढ़ते हैं जिंदगी, या फिर और क्या कह सकते हैं, जीवन, ठीक है. और प्रोसेस मतलब क्रिया, तो यही होता है, ठीक है. तो देखिए लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन जीने के लिए, क्यों ना, जीवन जीने के लिए जिन प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है. टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, द प्रोसेस विच हेल्प अस, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. एक इंसान की डेली की या रोजाना की बॉडी की जो क्रियाएं हैं, मतलब रिएक्शंस हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी में प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. इसलिए बोलूँ लाइफ प्रोसेस है क्या,
लाइफ प्रोसेस है क्या? जितनी भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में पूरे दिन में होती हैं या आपकी लाइफ टाइम में होती हैं, ठीक है, उन्हें हम उसमें पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है उसे ही क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये जो जीवन में, जीवन काल में, लाइफ टाइम में जो क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं बॉडी में, वो सब क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ओके, अब एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। अगर आप इस साइड में पढ़ते हो आपको फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ मिलेगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या वर्ड होता है, मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं? हैव यू एवर हियर अबाउट मेटाबॉलिज्म? जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है तो आप लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होगा। ठीक है, तो देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसको याद रखना। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। मेटाबॉलिज्म All the reactions taking place in a taking place in an individual. एक इंडिविजुअल को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जितनी रिएक्शन वो परफॉर्म कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म अब हमारा टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। देखो रिविजन है तो रिविजन को रिविजन के तरीके से ही कराऊंगी, एक चीज को सोल्व आउट करती जाऊंगी मैं, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। अब मुझे भी जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे ये भी नहीं, मुझे आपको केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करना है क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मैंने छोटे छोटे बहुत सारे क्या उठाए हैं, कंकड़ उठाए हैं, पत्थर उठाए हैं, स्टोन्स उठाए हैं और उनसे एक बड़ा सा स्टोन बना लिया या हीप बना लिया, वह मेरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स और एटम्स मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। वैन स्मॉल या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। और एनाबॉलिज्म इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या कीजिए, एक बड़ा सा स्टोन लीजिए, उसको हैमर से बीट करिए काफ़ी टाइम तक, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड हियर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सिंपली अगर मैं बोलती हूँ तो बेटा देखो ये क्या है ना, ब्रेकिंग अप प्रोसेस। ठीक है ना, ये कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रेकिंग अप, और ये कौन सा होता है मेरा, ब्रेकिंग का उल्टा क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है ना, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, वही डिकम्पोजिशन जो मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था। ठीक है, ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस,
सिंपली इसको ब्रेकिंग अप लिख सकते हो, फॉर्मेशन एंड प्रोसेस लिख सकते हो, मैन्युफैक्चर, इवन कॉम्बिनेशन प्रोसेस भी लिखोगे ना तो भी मैं तो मार्क्स दे दूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म में दो तरह के होते हैं, तो हमारी बॉडी में दो एक तरह की तो रिएक्शन होती है, या तो कुछ बनता है या कुछ टूटता है। लेकिन बनते क्या है, सपोज अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं, वो प्रोटीन्स बना लेते हैं। और डीएनए क्या है, प्रोटीन तो कितना बड़ा होता है डीएनए, हैव यू एवर थिंक अबाउट, पता है इसी को कंफर्म तो नहीं बोल सकती, बट अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि डीएनए की लेंथ इतनी होती है एक ह्यूमन बॉडी के, हमारी हर साल में डीएनए पाया जाता है, और सेल हमारी बॉडी में कितनी होती है, 10 to the power -13 ट्रिलियंस इतनी सेल्स होती है, और हर सेल में डीएनए होता है, और डीएनए कैसे होता है, एंटेंगल होता है, उलझा रहता है, सेल कितनी भी हो उसमें छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर ही लेता है, ठीक है। इतना था कि अगर हम यहाँ से स्पेस तक लेके जाए ना, डीएनए को यहाँ से खोलें, यहाँ से स्ट्रेच करना स्टार्ट करें, और उसको स्ट्रेच कर करके हम मून पे लेके जाएं, स्पेस में लेके जाएं, तो हम उसके जैसे करते हैं ना, ऊन से करते हैं, ऊन को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं फिर दोबारा ऐसे, ठीक है ना, उसके 2-3 राउंड घुमा लेते हैं, तो ऐसे हम उसको 7 बार ले जा सकते हैं। सपोज हमने उसका एक कॉर्नर यहाँ पे टाई किया और एक स्पेस में टाई किया, फिर दोबारा उस कॉर्नर बिना ब्रेक किए उसे ही नीचे लेके आएंगे, फिर दोबारा लेके जाएंगे, फिर लेके आएंगे, देखिए ऐसे जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे उसको टाई किया, फिर ऐसे 7 राउंड एक ह्यूमन बॉडी का डीएनए कवर अप कर सकता है, ठीक है। बट ये वेरीफाइड है नहीं, ये मैंने रिसेंट आपको रिसर्च जो है उस वहाँ से बताया है, तो ठीक है। क्या मैं आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बता रही थी, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स मिलकर डीएनए बनाता है। अमीनो एसिड बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिनका फॉर्मूला भी बहुत ईजी होता है। लेकिन देखिए सपोज मैं आपको ना फॉर्मूला बता देती हूँ, जो मेरा अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है, मेरे अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है। जबकि जो क्या होते हैं, मेरे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, NHCOOH। जब फिर हमें डीएनए के फॉर्मूले की बात करती हूँ, डीएनए का फॉर्मूला होता है मेरा नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोस शुगर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पूरा डीएनए का फॉर्मूला है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, अगर उसको एक्सपेंड करूँ तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला बैठता है। अगर किसी को देखना है कोई डीएनए का फॉर्मूला तो मुझको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें, मैंने 12th की वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये मेरे क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, छोटे से शुरू किया था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया है, और अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करती हूँ, बड़ा सिंपल सा है एनाबॉलिज्म, सब खाना खाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो खाना नहीं खाता, या कोई ऐसा है जो बिना खाने के भी लाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है, नॉट पॉसिबल ना। तो बस ये भी यहीं पर, यहाँ पर यही है, खाना खाते हैं, हमारी फूड पाइप में जाता है। देखिए भले ही आप लोग भूल गए हैं, आपको क्लियर नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सबको ध्यान होगा, और ये जो कॉमन सा है सबको पता है, फूड लेने के बाद, देखिए कुछ को नहीं पता वो तो अपनी देसी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, हिंदी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, खाने की नली। लेकिन होती क्या है, हमारी इसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम क्या होता है उसका, फूड पाइप, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसोफेगस। जो खाना है वो इसोफेगस में जाता है, तो इसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में। तो क्या जैसा आप खाते हैं वो ऐसी चीज़ ही आप उसको स्वेलप कर लेते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ आप उसको निगल लेते हैं, नॉट पॉसिबल ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं उसको, क्या करते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, फिर जब आपके इसोफेगस में जाता है मतलब कि वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, इसोफेगस से जब वो स्टमक में जाता है तो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ओके। तो यही हमारा क्या होता है, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल, ब्रेक डाउन ऑफ हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे पता कर सकते हैं। सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, मैंने अब देखा है यहाँ पर बिल्डिंग का, ठीक है। ब्रेकिंग
of food particles. फूड पार्टिकल्स में क्या करना, ब्रेक डाउन करना उनके कंपोनेंट्स में, ये मेरा क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है. ठीक है, किसी को कुछ नोट डाउन करना है वहाँ से कर सकता है. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है या मेटाबॉलिज्म क्या होता है. सर मैंने ये तो कहा कि जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्रोसेस होते हैं, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्रोसेस होते हैं वो यहीं पे ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. जहाँ पे लाइफ ही नहीं है वहाँ ही प्रोसेस भी एग्जिस्ट नहीं करते. तो बात आती है लाइफ किस में है, कैसे पता लगेगा. What are the criteria to decide whether it is living or non-living? ठीक है, What are the criteria? मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म ही बताऊंगी सारा. What are the criteria? What are the criteria to decide whether something is living or not? Something is living. क्राइटेरिया है क्या, वो बेस है जिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है नॉन लिविंग है. डियर स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को देखने के बाद जी ये मत बोलना मैम टेबल चेयर एक्सेट्रा ये सब नॉन लिविंग है, ये जो सांस लेते हैं वो लिविंग, जो सांस नहीं लेते वो नॉन लिविंग. क्लास थर्ड स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है ये, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रेथ आर लिविंग, दोज कांट ब्रेथ आर नॉन लिविंग्स. You are in 10th standard and your boards are upcoming. तो ये बच्चे से definitions यहाँ पर apply नहीं होंगी. ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ जो ये फीचर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जो ये फीचर एग्जिस्ट करता है वो लिविंग है, अदरवाइज बाकी सब नॉन लिविंग. मैं ये नहीं कहती कि सांस लेते हैं वो लिविंग नहीं होते, होते हैं आप बोलिए, बट सिर्फ यही मत बोलिए कि जो सांस लेता है बस वही लिविंग होता है, क्योंकि लिविंग होने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे बेसिस हैं. ठीक है, तो चलिए जैसे कि फर्स्ट आप देख लेते हैं, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्या है, विच कैन ग्रो एंड डेवलप दोज ग्रो एंड डेवलप. इसमें ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है. चलिए मैं वही लिखती हूँ, उसमें मेन मेन चीज लिखती हूँ, मैं नहीं लिखती. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि छोटे थे कभी एज अ बेबी बर्थ हुआ था, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो. चलो कहोगे मैम हम तो नहीं लिखाएंगे, आप और बताओ प्लांट्स, कभी कोई प्लांट लगाया है एनवायरमेंट डे पे, या वैसे भी कभी लगाया है एक प्लांट कभी भी, क्या होता है सपोज मेरी सॉइल है, एक टाइम पर वो सॉइल में ही था, तो कुछ टाइम बाद वो इतना सा हुआ, फिर इतना और अब बहुत बड़ा हो गया है, वो आपकी हाइट से भी बड़ा लिविंग हुआ ना. कोई फंगस ले लो, बैक्टीरिया ले लो,
कहते हैं फंगस कैसे, चलिए एग्जाम्पल दो, आज आपके आपको एलर्जी हो गई बोल पे, एलर्जी हमेशा किससे होती है, फंगल इन्फेक्शन से होती है, आपको एलर्जी हुई, आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे इचिंग हुई, आपने रब कर लिया, ठीक है, कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी सेम ऐसे रैशेज हो गए बॉडी पे, कुछ दिनों बाद ऐसे आपके पूरी आर्म पे रैशेज हो गए, तो क्या हुआ, फंगस ने ग्रो कर लिया, जो फंगस है वो उसने ग्रोथ कर ली है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक क्राइटेरिया है, द सेकेंड वन इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस पीछे डोब आ जाए, कुत्ता आ जाए पीछे भागोगे नहीं भागोगे, भागोगे ना, तो ये तो है कॉन्शियसनेस, अपने लिए अवेयर होना, ध्यान रखना। एक छुई मुई का प्लांट होता है जिसको टच मी नॉट भी कहते हैं, ठीक है, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते होंगे, हम तो हिंदी में छुई मुई बोलते हैं और इंग्लिश में टच मी नॉट, अगर मैं उसको ऐसे थोड़ा सा भी टच करती हूँ तो उसके लीव्स क्या जाते हैं, बंद हो जाते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, वो सोचती है कि कोई शिकारी आया है मुझे खाने के लिए, मुझे मारने के लिए, ठीक है, ये बात होती है। और कॉन्शियसनेस हो गया है, थर्ड की बात करती हूँ मैं, रिप्रोडक्शन। देखिए कॉन्शियसनेस, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है, कंटिन्यू बीट कर रही हूँ, बीट कर ही रहा हूँ, क्या इसने मुझे पलट के जवाब दिया, क्या इसने भी मुझे मारा, नहीं। और अगर इतने ही स्लैप्स में आप लोगों को लगाती क्या करते, उल्टा जवाब देना शुरू कर देते या रोना स्टार्ट कर देते। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, क्लास नाइन्थ में न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है, एक्शन पे रिएक्शन हो जाता, बट यहाँ एक्शन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो पॉइंट है वेरीफाई हो गया है, बात आती है रिप्रोडक्शन की। जो कैट होती है वो हमेशा किटन्स को बर्थ देती है, डॉग हमेशा पपीज को बर्थ देते हैं, ह्यूमंस अपने जैसे ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, क्या कभी एक टेबल दूसरी टेबल को बर्थ दे सकती है, या ये चौक किसी चौक को बर्थ दे सकती है, नहीं दे सकती, ठीक है। तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन की मेन क्राइटेरिया हुआ। देन फोर्थ, फोर्थ क्या होगा आपका, ब्रेथ, सांस लेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या होगा, टेक न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट सबको चाहिए जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, ओके। तो ये मेरे क्राइटेरिया है कैट सेट करने के, वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट। अब स्टूडेंट्स देखिए, सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो क्वेश्चन ये है, टेल मी द फाइव मोर क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट, ओके। तो जो आज का आपका क्वेश्चन है वो ये है, गिव फ्यू मोर पॉइंट्स, फ्यू मोर पॉइंट्स टू डिसाइड क्राइटेरिया ऑफ लिविंग, एक्सेप्ट दीज, जो मैंने बता दिए इनसे अलग बताना है आपको, ठीक है। तो आज का हम हमारा क्लास यहीं पे रखते हैं, इतने आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना पढ़ते रहिए, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सिलेबस पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही कि हाँ इस चीज़ को मैं हल्के में लेना है, और अब तो स्कूल की शीट पे होंगे तो इम्पोर्टेंट समझ जाओ कि वो बोर्ड के लिए ही हो रहे हैं, ठीक है।